दोस्तों आज हम सभी के पास स्मार्टफोन्स हैं और एक तरह से कहें तो स्मार्टफोन्स आज की दुनिया में शरीर का ही एक एक्सपेंडेबल पार्ट हो गया है, जिस वजह से इसके बिना रहना और भी ज्यादा मुश्किल है। स्मार्टफोन्स की इसी डिमांड के साथ स्मार्टफोन गैजेट्स का एक नया मार्केट खुला, जिसमें आपके फोन को और ज्यादा फीचर्स देने के लिए प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। फिर वो पबजी खेलने के लिए आने वाली जॉयस्टिक हो या फिर कैमरे की पावर बढ़ाने वाले लेंसेज। लेकिन आज का हमारा फोकस ऐसे गैजेट्स पर रहेगा जिन्हें देखकर आपको यकीन ही नहीं होगा कि ऐसे भी गैजेट्स दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर आप भी टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं या अपने स्मार्टफोन के लिए अपग्रेड चाहते हैं तो आज का ये वीडियो अंत तक देखना मत भूलिएगा। साथ ही वीडियो के शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ही मत भूलिएगा। Duolingo, हमारी लिस्ट में जो पहला गैजेट है वो है Duolingo। आपको देखने में एक साधारण सा ब्लूटूथ स्पीकर ही लगेगा, लेकिन ये अपने साथ कई और गिफ्ट्स भी लाता है। अगर आप इस स्पीकर पर बीच से फोर्स अप्लाई करें तो ये टूटकर दो अलग अलग स्पीकर में बदल जाता है। छोटे स्पीकर्स के साथ ज्यादातर लोगों को यही परेशानी रहती थी कि ऐसा लगता रहता था कि सिर्फ कमरे के एक कोने से आवाज आ रही है, पर अब उसे भूल जाइए। ये दोनों स्पीकर्स 21 फीट की दूरी तक अच्छी तरह से काम करते हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, अगर इन दोनों स्पीकर्स के बीच में आप देखोगे तो आपको दो ईयरपॉड्स भी मिलेंगे। आप जब चाहे इन ईयरपॉड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर मान लीजिए आपको कुछ किसी और को भी सुनना है तो इन ईयरपॉड्स को अपनी जगह पर वापस रखते ही फिर से इन स्पीकर से ही आवाज आने लग जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, जब तक ईयरपॉड्स स्पीकर के साथ रहेंगे तब तक ये खुद ब खुद चार्ज भी होते रहेंगे, जो कि एक कमाल का फीचर है। Voxos ग्लासेस, अगर पिछला गैजेट आपको कूल लगा तो ये सुपर कूल है। Voxos की ये सन ग्लासेस न सिर्फ स्टाइलिश हैं, पर एक एक्स्ट्रा फीचर के साथ आते हैं जिसे हम कहते हैं बोन कंडक्टिंग स्पीकर्स। आप इसे अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट कर सकते हैं और बिना कानों में किसी भी तरह की ईयरपॉड्स को डाले इसमें म्यूजिक सुन सकते हैं। लेकिन कैसे, अगर आप ध्यान देंगे तो इन सनग्लासेस के साइड में कुछ वाइब्रेटिंग पैड्स लगे हैं। ये पैड सीधा आपके स्कल की बोन्स को वाइब्रेट करते हुए म्यूजिक दिमाग तक पहुंचाते हैं। ये 100% सेफ है, और साथ ही इससे आप म्यूजिक के साथ साथ बाहर से आने वाली आवाजों को भी अच्छी तरह सुन सकते हैं। नेक्स्ट डॉक 2, ये अगला प्रोडक्ट आपको एक लैपटॉप की तरह लगेगा, और ये अंदाजा ना तो पूरी तरह सही है और ना ही गलत। नेक्स्ट डॉक के इस लैपटॉप में कोई रैम, सीपीयू या ग्राफिक कार्ड नहीं है, सिर्फ एक बड़ी सी बैटरी, कीबोर्ड, टच पैड और स्क्रीन है। नेक्स्ट डॉक आपके स्मार्टफोन से कनेक्ट हो जाता है, जिसके बाद आप अपने स्मार्टफोन के सभी फीचर्स को इस लैपटॉप में इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर वो चाहे ईमेल्स लिखना हो या और कुछ। इस तरह के प्रोडक्ट्स के कई फायदे हैं, जिसमें से पहला फायदा है इसकी अफोर्डेबिलिटी। एक आम लैपटॉप से काफी सस्ता है, साथ ही इसमें सीपीयू या बाकी कंपोनेंट्स ना होने की वजह से इसमें ज्यादा बड़ी बैटरी ऐड की जा सकती है जो लंबे वक्त तक आपका साथ देगी। और अगर आप अपना फोन अपग्रेड करवा कर नया फोन ले आते हैं तो सोचिए आपका लैपटॉप भी अपने आप ही अपग्रेड हो जाएगा। फीचर्स की लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई दोस्तों। नेक्स्ट डॉक 2 में एक HDMI पोर्ट भी है, जिस कारण आप इसे एक सेकेंड स्क्रीन या टीवी की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। Nebula Mars 2 Pro सिर्फ नेक्स्ट डॉक ही नहीं है जिस पर आप टीवी एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको अपने घर में ही थिएटर का एक्सपीरियंस चाहिए तो Nebula का ये प्रोजेक्टर आप ही के लिए। हम सभी जानते हैं कि प्रोजेक्टर को सेटअप करने में कितनी तरह की परेशानी आती है, हजारों वायर्स को इधर उधर लगाना होता है, उसके बाद इस तरह की स्क्रीन्स चाहिए होती हैं जो फ्लैट हो। लेकिन ये प्रोजेक्टर सभी परेशानियों को खत्म कर देता है। ये प्रोजेक्टर वायरलेसली ऑपरेट किया जाता है, साथ ही इसकी DLP डिस्प्ले एक LCD डिस्प्ले से भी ज्यादा बेहतर है, और ज्यादा लाइट होने पर भी क्लियर दिखती है। साथ ही आप इसमें नेटफ्लिक्स से लेकर होलू तक किसी भी स्ट्रीमिंग सर्विस को स्ट्रीम कर सकते हो, और एक बार पूरी तरह से चार्ज होने पर अगले 4 घंटे के लिए ये प्रोजेक्टर नॉनस्टॉप चलता है। प्रोजेक्टर के साथ आपको अलग से स्पीकर्स की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डुअल 20 वाट स्पीकर्स के साथ आता है, और पोर्टेबल होने के कारण इसे एक कमरे से दूसरे कमरे में ले जाना भी काफी आसान है। Xeon Smooth X, हमारा अगला गैजेट देखने में तो एक मामूली सी सेल्फी स्टिक ही लगता है, लेकिन ये इससे कहीं ज्यादा है। इसके साथ आने वाली एक्सपेंडेबल स्टिक को इसके साथ जोड़कर आप इसे एक ट्राइपॉड भी बना सकते हैं। स्मूथ एक्स में एक ऑटोमेटिक पर्सन ट्रैकिंग, यानी अगर आप इसे माउंट करते हुए वीडियो बना रहे हैं तो आप जैसे जैसे मूव करेंगे ये आपको फॉलो करने लगेगा, और बिना किसी दूसरे आदमी की मदद लिए आप खुद ही वीडियो शूट कर पाएंगे। स्मूथ एक्स में 180 डिग्री रोटेशन है, जो पैनोरमा शॉट्स लेने में भी काफी मददगार साबित होती है, और इसमें आप कभी भी फोन की ओरिएंटेशन को बदल सकते हैं बिना स्टेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज किए। स्मूथ एक्स के ऐप के अंदर आपको वीडियो एडिटिंग जैसे भी कई फीचर्स मिल जाएंगे। मोजा टच पैड,
हमारी लिस्ट में अगला प्रोडक्ट है मोजा टचपैड, जो आपके फोन की स्क्रीन जितना बड़ा है लेकिन ये आपके फोन के पीछे अटैच होता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसका इस्तेमाल कहाँ किया जा सकता है, तो आप अभी अच्छे गेमर नहीं बने, क्योंकि स्मार्टफोन्स गेमर्स ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि इस तरह से उन्हें मल्टी टच गेम्स के अंदर कितना ज्यादा कंट्रोल मिल जाएगा। और ये टच पैड भी खासकर गेमर्स को ध्यान में रखकर भी बनाया गया है, तो अगर आप अपनी जॉयस्टिक से परेशान हैं तो टच पैड ट्राई कर सकते हैं। कैस्पर ग्लो लाइट। कैस्पर ग्लो लाइट एक कमाल का लैंप है दोस्तों, जिसे आप अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट कर सकते हैं। आप जब चाहें इसकी ब्राइटनेस को इसके ऐप से कंट्रोल कर सकते हैं, और साथ ही आप इसे शेड्यूल भी कर सकते हैं, ताकि जब आपका सुबह उठने का वक्त हो तो खुद ब खुद ये लैंप ऑन हो जाए। ये लैंप दोनों तरफ से काम करता है, और आप इसे उठाकर पलट भी देंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ब्राइटनेस को एडजस्ट करने के लिए आप इसे सिर्फ रोटेट भी कर सकते हैं, और इससे भी बेहतर है इसकी इनबिल्ट बैटरी, जो आपको जब चाहे इस लैंप को आसानी से एक कमरे से दूसरे कमरे में ले जाने की आजादी देती है। ब्लूटूथ एक्सचेंज। हमारा अगला डिवाइस बहुत कमाल का है। मान लीजिए आपके टीवी का स्पीकर अच्छे से काम नहीं कर रहा है और उसकी क्वालिटी खराब है, साथ ही उसमें ब्लूटूथ नहीं है। ऐसा होने पर यह डिवाइस स्पीकर की जगह पर कनेक्ट हो जाएगा और ब्लूटूथ सिग्नल्स ट्रांसमिट करने लगेगा, जिससे अब आप किसी ब्लूटूथ स्पीकर से कैच कर सकते हैं। यही डिवाइस दूसरी तरह एक रिसीवर की तरह भी काम करता है। अगर आपके पास एक अच्छी क्वालिटी का वायर्ड स्पीकर है जो आपके फोन से कनेक्ट नहीं होता, तो आप अपने फोन को ब्लूटूथ एक्सचेंज से कनेक्ट कर सकते हैं, और ये डिवाइस वायर से आपके हाई क्वालिटी स्पीकर के साथ कनेक्ट हो जाएगा, और आप उस वायर्ड स्पीकर में भी अब म्यूजिक प्ले कर पाएंगे। स्विच 6 MK2। हमारा अगला प्रोडक्ट उन लोगों के लिए है जो फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड है लेकिन हर वक्त पोर्टेबल लेंस को अपने साथ कैरी नहीं करना चाहते। स्विच 6 M2 एक स्मार्टफोन केस है जो अपने साथ 6 अलग अलग लेंसेज के साथ आता है। आप इसे एक बैक कवर की तरह फोन में लगा सकते हैं, साथ ही इसके लेंसेज को स्लाइड करके आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं। स्विच 6 6 अलग अलग लेंसेज के साथ आता है और उसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी है। वॉल्टरमैन स्मार्ट वॉलेट। हम लिस्ट के आखिरी स्मार्ट गैजेट तक पहुंच गए दोस्तों, जो है स्मार्ट वॉलेट। इसमें खास बात यह है कि एक ऐप की मदद से आप कभी भी इनकी लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। साथ ही अगर आप अपना वॉलेट बार बार घर में रखकर कहीं भूल जाते हैं, तो ऐप से ही आप एक अलार्म भी बजा सकते हैं जो आपको वॉलेट की सही जगह बता देगा। इस वॉलेट को खोलने पर आपको इसमें कुछ कैमरास भी दिखेंगे, जो वॉलेट के चोरी होने पर आपको बहुत मदद कर सकता है। तो ये थे हमारे कुछ टॉप गैजेट्स। इनमें से कौन सा स्मार्टफोन गैजेट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, हमें कमेंट्स करके बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।